बुरहानपुर जिले में आरटीओ विभाग कुंभकर्ण की नींद से जागा और शहर से 20 किलोमीटर दूर दूरस्थ इलाके में सुनसान जगह पर खड़े होकर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आरटीओ राकेश सिंह भूरिया ने अनफिट बसों पर कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान आरटीओ राकेश सिंह भूरिया की मौजूदगी में बाहरी व्यक्ति द्वारा चलान बुक से चलान काटे जा रहे थे, जो कि नियम विरुद्ध है। ये चलान सक्षम अधिकारी द्वारा ही चलान काटे जाते हैं, किंतु स्वयं आरटीओ की मौजूदगी में एक बाहरी व्यक्ति चलान बुक से चलान की रसीदें काट रहा था और अधिकारी दर्शक बन देख रहे थे। जिले में भी चल रही थी अनफिट बसें, बिना हैवी लाइसेंस के बसों को दौड़ा रहे 20 चालक। खरगोन की घटना के बाद हरकत में आया बुरहानपुर आरटीओ विभाग। इंदौर इच्छापुर हाईवे के ग्राम झिरी में बसों को रोककर बसों पर की चालानी कार्यवाही। जिले में है अनफिट बसों की भरमार, अन्य प्रदेशों से रिजेक्टेड बसों का बुरहानपुर जिले में होता है संचालन। विभाग को उदासीनता के चलते बस ऑपरेटर करते हैं मनमानी, यात्रियों को जान से करते हैं खिलवाड़। खस्ताहाल बसों को बेधड़क तरीके से ओवरलोड बसों को दौड़ाते हैं सड़कों पर, किसी की भी जान की परवाह किए बगैर तेज रफ्तार दौड़ाते हैं बसों को। ये कार्यवाही भी एक औपचारिकता वाली कार्यवाही साबित हुई। चेकिंग तो पहले चलते रहते थे, लेकिन खरगोन वाले हादसे के बाद से और उसमें तीव्रता आई है। सभी जिलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गाड़ियों में ओवरलोडिंग और इमरजेंसी गेट वगैरह सही से होना, फिटनेस सही से होना, ये चेक किया जा रहा है। तो आज सर अपन ने किसी गाड़ी का चालान अभी बनाया हो बस का? अभी तक 3 से 4 बसेस का चालान बनाया है, लगभग 15-20 हज़ार के आसपास का चालान आज बना है। तो ये कार्रवाई ऐसी सतत जारी रहेगी या कंटिन्यू रखेंगे कार्रवाई? कंटिन्यू। सर आपका नाम? राकेश।